लगता है कि ये चूड़ियां मैं मात्र सजावट के लिए पहनती हूँ। ये तो सचमुच पागल है। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। है मोटू, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खोपड़ी है या भोपड़ा? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम कर। इतने शानदार विचार रखते हैं जी। हाँ मोटू, मैं समझ गया। क्या कहेंगे? फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? मैं तुम्हारी तरह लुचाल फंगा नहीं हूँ जो किसी का घर जलाऊं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है 11 रुपए 42 पैसे से। अबे तमीज नहीं है तुझे? मैं काम किया। अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। अपन तेरे से एक सवाल पूछना मांगते रे काय। महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में। इतना माल कमाकर कहां ले जाओगे? और फिर आपकी तो कोई औलाद भी नहीं है। सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। स्टॉप इट! अरे बेइज्जती करके तुम एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन हो। क्या सोचा है? क्या सोचा है? बच्चे दाम से हर दिन लोगों की कमाई भी घटती जा रही है। 2017, 2018 और 2020। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? बाबू जी ये झूठ बोलता है। तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? ये कैसे हो सकता है? दोनों यही कि बिन बाप का बेटा है। अभी ठीक है। और बड़ा होकर चोरी करेगा, डाके डालेगा, जेब काटेगा। अभी ठीक है। आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200। विल यू शट योर माउथ? रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिलता है। क्या नया स्टाइल है? बस चोर का ही का। अबे उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? ओए दाल में जरूर कुछ काला है। यार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। मैं घर से बाहर ना निकालता तो आज तुम इतने बड़े आदमी होते? क्यों खाली बॉम्ब मारता है?